दोस्तों ये वही स्थान है जहां पर लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। सन 19 नवंबर 1828 को वाराणसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वैसे तो प्यार से उन्हें मन्नू कहते थे, परंतु उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। दोस्तों उनका ये मणिकर्णिका नाम काशी के मणिकर्णिका घाट के नाम पर रखा गया था। पिता का नाम था मोरोपंत तांबे, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेवा में थे। माता का नाम भागीरथी बाई था, ये बुद्धिमान और एक धर्मनिष्ठ महिला थी। जब मनु 4 साल की थी तो उसी समय उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी कोई घर में देखभाल नहीं करता था तो मोरोपंत तांबे मनु को बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। बचपन से ही काफी प्रभावशाली और साहसी लड़की थी। उन्होंने युद्ध और शास्त्र का ज्ञान उसी समय ले लिया था। आगे चलकर 1842 में उनका विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव से हुआ था। उसके बाद उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई, पूरा नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1851 में उनका एक पुत्र भी हुआ था, परंतु उसकी 4 महीने बाद ही मौत हो जाती है। 1853 में महाराज गंगाधर राव की भी तबीयत खराब होने लगी। 21 नवंबर 1853 को उनकी भी मृत्यु हो गई। रानी ने दामोदर राव नाम के एक बच्चे को गोद लिया। बरतानी सरकार ने अपनी हड़प नीति के तहत उस बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी ने मुकदमा भी दायर किया, परंतु बरतानी सरकार ने उनके मुकदमे को खारिज कर दिया और रानी को महल छोड़ने को कहा, परंतु वह अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी रही और 1857 की क्रांति की हिस्सा बनी। झांसी 1857 के विद्रोह का केंद्र बन गया। तात्या टोपे नाना साहेब बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय भी रानी के साथ लड़ रहे थे, परंतु 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में बरतानी सेना से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई।